नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरि निवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति, हितोपदेश चल रहा है और विशेष करके समय चर्चा चल रही है चंदन दास और लीलावती की कथा के बीच में। लीलावती जब एक अन्य व्यक्ति के प्रेम में पड़ जाती है तो फिर स्त्रियां कैसी होती हैं, इसकी बात शुरू हो गई है और इस संदर्भ में हम एक पूरा वीडियो देख चुके हैं। मनुस्मृति का एक और श्लोक यहां पे प्रस्तुत किया गया है कि पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने, पुत्रस्य स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र मर्ति। स्त्री को कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। अगर वो कौमार्य अवस्था में है तो पिता उसका रक्षक बनता है, जब वो युवान होती है तो उसका पति उसका रक्षक बनता है, और जब वो वृद्ध हो जाती है तो उसका पुत्र उसकी रक्षा करता है। अब यहां शब्द तो प्रयोग किया गया है रक्षति कौमारे, रक्षति यौविने, तो वही क्रिया लगेगी पुत्रस्य स्थाविरे भावे, वहां पे भी रक्षति क्रिया ही लगेगी। लेकिन अंतिम पंक्ति जो है, नहीं स्त्री स्वातंत्र मर्रति, ये विवादास्पद हो गया। यानी मनुस्मृति को लेकर के जो फेमिनिस्ट लोग ये कहते हैं, स्त्रीवादी लोग ये जो कहते हैं कि मनु का स्त्रियों के प्रति बड़ा दुर्भाव था, वो जरा अलग ढंग से विचार करते थे, वो योग्य नहीं था, ऐसे ही कुछ श्लोकों के कारण। जब तक पिता रक्षति कौमारे की बात थी कि कुमारे अवस्था में पिता रक्षा करता है, देखो पति को तो पति कहा ही इसलिए जाता, पाति इति पति, जो रक्षा करे उसी को पति कहा जाता है, तब तक कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जैसे ये कह दिया नहीं स्त्री स्वातंत्र मर्ति की, स्त्री को कभी भी स्वतंत्रता नहीं होती है, वहां सारी बात बिगड़ गई। जो स्वतंत्र विचार वाली स्त्रियां हैं उनका क्या, ऐसा कैसे है हम स्वतंत्र रहें, इसमें आपको क्या समस्या है। तो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि स्वतंत्रता एक ऐसी चीज है, वो जब भी जो व्यक्ति दूसरे के आश्रित रहता है, दूसरे के सामने परतंत्र रहता है, उसको जब जब स्वतंत्रता मिलती है वो स्वच्छंद होता है। ये नियम है भाई, बात सीधी सी, स्प्रिंग को जब आपने दबा के रखा हुआ है तो वो स्प्रिंग जब छूटेगी तो उछलेगी। यही स्त्रियों के साथ होता है। आप एक पुरुष के संदर्भ में इस प्रकार का विचार नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो हमेशा से स्वतंत्र रहा है, तो उसकी स्वतंत्रता इतनी जल्दी स्वच्छंदता नहीं बनती है। ये मान लीजिए वो पहले से ही स्वच्छंद होता है, लेकिन स्त्री जब स्वतंत्र होती है तो उसमें अगर स्वच्छंदता आती है तो समाज के लिए उसको दोष माना गया है। चलिए, बहुत सारे श्लोक हो गए, कथा पे वापस आते हैं। एकदासा लीलावती रत्नावली किरण करबुरे पर्यंके तेन वणिक पुत्रेण सह विश्रम्भालाप ही सुखासीना तम अलक्षितोपस्थितम पतिम अवलोक्य सहसोत्थाय केशेषु आकृष्य गाढ़म आलिंग्य चुंबितवती तीन अवसरेण जारस्य पलायिता। अब एक बार की बात है, वो लीलावती जो दूसरे एक वैश्य पुत्र के प्रेम में पड़ी है, उसी के साथ में अपने पर्यंक पे, आज की भाषा में कहो तो बेड पे, पुरानी भाषा में कहो तो शैया पे, कैसी शैया का वर्णन किया है, रत्नावली किरण करबुरे, यानी उसके उस शयन कक्ष में रत्नावलियां लगी हुई हैं और वो जो रत्न की पूरी मालाएं लगी हुई हैं उनका प्रकाश जब शैया के ऊपर पड़ता है तो जिसकी वो शैया बड़ी ही अलग अलग प्रकार की किरणों से चमकती हुई है, उस शैया पे बैठी हुई है,
लेकिन बैठी किसके साथ? अपने पति के साथ नहीं, उस प्रेमी के साथ। अचानक उसकी नजर पड़ती है कि सामने से उसका पति आ रहा है, तो अपने वृद्ध पति को आता हुआ देख के उस पति ने अभी उसके उस प्रेमी को नहीं देखा है। इस स्थिति में वो प्रेमी को देखे इससे पहले लीलावती एकदम दौड़ती हुई उसके पास जाती है, अपने वृद्ध पति चंदनदास के पास, जोर से उसको आलिंगन में लेती है, गाढ़म आलिंग्य केशेषु आकृष्य, उसके बाल पकड़ के उसके मुंह को अपने मुंह के पास लेके जाती है, चुंबित वती, और एक ऐसा लंबा सा चुंबन उसको देती है कि थोड़ी देर के लिए तो चंदनदास पूरी दुनिया को भूल जाए। और वही एक ऐसा मौका था कि जिस मौके का लाभ लेकर के उसका वो जो प्रेमी है, जो जार है, पलायन था, वहां से भाग जाता है। तो प्रेमी को भागने का अवसर देना है, इसलिए उस लीलावती ने, उस नवयुवान स्त्री ने अपने वृद्ध पति के बालों को पकड़ के उसको आलिंगन में लेकर के इस प्रकार का चुंबन दिया था। बाकी ऐसा नहीं होता है कि वृद्ध पति की प्रति पत्नी इतनी लालायित हो कि उसको देख करके और ऐसा गाढ़ आलिंगन दे करके और ऐसा प्रगाढ़ चुंबन उसको करे। कारण तो था, उष्णा वेदीय शास्त्रम यच्च वेद बृहस्पति स्वभावे नैव तत्शास्त्रम स्त्री बुद्धौ सुप्रतिष्ठितम। वीणा कर्ण कहता है कि स्वयं शुक्राचार्य जिस ज्ञान को जानते हैं, स्वयं बृहस्पति जिस ज्ञान के ज्ञाता हैं, वो सारा ज्ञान का भंडार, वो सारे शास्त्र जो है ना, स्त्री के पास स्वाभाविक रीति से प्रतिष्ठित रहते हैं। यानी बड़ी बड़ी ज्ञान की दुनिया की जो बातें हैं, जिन्हें शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं और बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, वो गुरु लोग जिन बातों को जानते हैं, जिन शास्त्रों को जानते हैं, वो सारे शास्त्र स्त्रियों में स्वभावे नहीं हो, जैसे गढ़थूथी में हो, जैसे छठी से ही उनको मिल गए हों, इस प्रकार से उनके अंदर वो विद्यमान रहते हैं। तदा लिंगनम अवलोक्य समीपवर्तिनी कुटिनी अचिंतयत। अब उसको लीलावती को इस प्रकार से अपने पति का आलिंगन करते हुए देखा तो कमरे के बाहर जो कुटिनी बैठी थी, अकस्मात इयम एनम उपगूढ़वती, ओहो ये क्या हो रहा है, ये इस प्रकार से दौड़ के इसने इस प्रकार का आलिंगन किया है। इति ततस्तया कुट्टन्या तत्कारणं परिज्ञाय। कुट्टिनी ने कहा इसका कोई ना कोई कारण तो है, और जब जरा सा उसने ध्यान दिया तो पता चल गया कि जब वो आलिंगन कर रही है तो वो उसका प्रेमी उसके रूम में से निकल के भाग रहा है। तो उसको जान करके लीलावती गुप्तेन दंडिता, लीलावती को चुपचाप उसने दंडित किया। दंडित किया, कहा गलत बात है, ऐसा नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको अपने पति के लिए वफादार रहना चाहिए। सुनने में, कहने में ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, लेकिन जिसकी जवानी लीलावती जैसी हो, जिसका वर्णन यहां पे कवि ने किया है, उस स्त्री को वृद्ध पति के साथ अगर रखा जाए तो ये संभव ही नहीं है कि वो पतिव्रता रह पाए। यहां तो बहुत कुछ कह दिया गया है स्त्रियों के बारे में, अब मैं क्या कुछ कहूं। तो वीणा कर्ण कहता है अतो अहम ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं अकस्मात युवती वृद्धम, जो मैंने कहा कि अकस्मात कोई युवती जो है अपने वृद्ध पति का इस प्रकार से आलिंगन नहीं करती है, कोई कारण होता है तभी ऐसा संभव है। मूषिक बलोपष्टंबे ने केनापि कारणे ने अत्र भवितव्यम, उसी प्रकार से ये चूहा भी जो इतना ऊंचा कूदता है ना,
इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण होना चाहिए। भाई चूहा सामान्य रूप से कूदेगा, 1 फुट कूद जाएगा, लंबा थोड़ा कूद जाएगा, लेकिन ये 4-5 फुट पे लटकी हुई आपकी बिच्छा की पोटली जो है वहां तक कूद जाता है, तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। जैसे लीलावती ने जब अपने पति का आलिंगन किया तो उसके पीछे कारण था। क्षणम विचिन्त्य, थोड़ी देर विचार किया क्या कारण हो सकता है। भाई लीलावती के पीछे तो उसका प्रेमी था, इस मूषक के पीछे क्या कारण हो सकता है। कारणम चात्र धन बाहुल्य में भविष्यति, वीणाकर्ण कहता है और कोई कारण नहीं होगा, इसके पास धन की अधिकता है, अवश्य इसके पास धन होगा और उस धन की शक्ति से ही ये इतनी उछल कूद मचाता है। क्यों? तो कहता है धनवान बलवान लोके, जो धनवान होता है वही इस संसार में सबसे बलवान माना जाता है। सर्वः सर्वत्र सर्वदा, हमेशा हर समय और हर जगह पे इस संसार में धनवान व्यक्ति ही सब में सब जगह और हर समय बलवान हुआ करता है। प्रभुत्वम धन मूलम ही राजना अपि उपजायते, भैया राजा भी राजा इसीलिए बनता है कि उसके पास संपत्ति होती है, राजकोष होता है, खजाना होता है। जिस राजा के पास खजाना ना हो वो पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जैसी दशा होती कि कटोरा लेकर के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी भीख मांगने निकलना पड़ता है। ठीक है, धन की वजह से ही ये मूषक इतना कूद रहा है। इस निर्णय पे दोनों चूणाकर्ण और वीणाकर्ण पहुंच जाते हैं। ततः खनित्र मादाय तेन विवरम खनित्वा चिर संचितम मम धनम ग्रहितम, हिरण्य अपनी कथा सुना रहा है मंथर को, तो कहता है फिर तो पावड़ा लेकर के उन्होंने मेरा बिल खोदना शुरू कर दिया, और बहुत समय से जो मैंने सारा धन एकत्रित किया था सब मेरा धन उन्होंने ले लिया। ततः प्रवृति, तभी से निज शक्ति हीना, जिसकी ताकत ही उसके पास से चली गई है, सत्तोत्साह रहिता, अब ना मुझ में सत्व रह गया ना मुझ में उत्साह रह गया इस प्रकार का, मैं स्वाहारम अपि उत्पादयितुम अक्षमा, अपने भोजन की व्यवस्था भी करने में असमर्थ हो गया। सत्रासम, मुझे बहुत ज्यादा परेशानियां होने लग गईं। मंदम मंदम उपसर्पम, मेरी चाल सारी शक्ति क्षीण हो गई, जैसे बहुत थक गया हूं, इस प्रकार से धीरे धीरे चूणाकर्ण ने अवलोकिता, मुझे चलता हुआ उस चूणाकर्ण ने देखा। कभी मैं कैसा था कि एक छलांग मार के 5 फुट ऊपर लटकी हुई, 4 फुट ऊपर लटकी हुई उसके भिक्षान्न की पोटली तक चढ़ जाता था, और अब मुझ में इतनी शक्ति नहीं थी कि मैं दौड़ के चल पाऊं, और धीमे धीमे चलते हुए जब मुझे उस चूणाकर्ण ने देखा तो वो बोला धनेन बलवान लोके धनात् भवति पंडिता, पश्येन मूषिकं पापं स्वजाति समतामृतम्। भैया बिल्कुल सही है, धन से ही व्यक्ति बलवान होता है, धन से ही व्यक्ति पंडित बनता है। देखो तो इस मूषक राज को देखो, इसका धन छिन गया तो बिल्कुल, जब कोई बहुत डरा होता है बहुत सहमा होता है तब हम कहते हैं अबे चूहा बन गया, ये तो बिल्कुल चूहा हो गया है। उस बात को यहां कहा है स्वजाति समतामगता,
अब बिल्कुल चूहे जैसा हो गया है। यानी चूहा तो था ही, लेकिन चूंकि उसके पास धन था तो वो चूहे की वजह चूहों का राजा हुआ करता था। उसमें उसी प्रकार की शक्ति थी, उसी प्रकार के उसके तेवर हुआ करते थे, उसी प्रकार की सारी उसकी विशेषताएं हुआ करती थी। लेकिन अब जो उससे धन छिन गया है तो न तो उसमें बल रहा, न उसमें बुद्धिमानी रही, न उसमें पांडित्य रहा, और एक उस सामान्य चूहा हो गया है। स्वजाति समताम गथा, अपनी जाति जैसा बन गया है, बिल्कुल चूहा हो गया है। चलिए इससे आगे की कथा जो है जिसमें धन के महत्व की और चर्चा की जाएगी हम अगले वीडियो में देखेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। पुनः आप सबका धन्यवाद।